BWF एक टर्म यूज होता है स्पोर्ट्स में, इसका फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और इसको शॉर्ट में BWF कहा जाता है। ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड में जितना भी बैडमिंटन खेल होता है वो सभी का गवर्निंग बॉडी होता है ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और इसको रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC, इसको रिकॉग्नाइज किया है। चलिए अभी जानते हैं ये जो BWF का कब गठन किया गया था और गठन होने का टाइम, इसका क्या नाम था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में कितना मेंबर है, चलिए ये सभी को अभी इस जानते हैं। ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन को, इसको गठन किया गया था 1934 में, इसका नाम उस टाइम था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन यानी IBF का नाम में इसको गठन किया गया था, और गठन करने का टाइम ये 9 कुल मेंबर कंट्री यानी नेशन इसको गठन किए थे, वो कंट्री थे कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, वेल्स, ये सभी 9 कंट्री यानी नेशन इसको गठन किए थे। IBF गठन होने के बाद 1981 में इसको विलय कर दिया गया वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का साथ, और बाद में 2006 सितंबर 24 में और एक मीटिंग हुआ, वो मीटिंग हुआ था मैड्रिड में। ये मीटिंग में डिसीजन लिया गया ताकि जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन को इसका नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ऐसे इसका नाम आया था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF। चलिए अभी जानते हैं जो BWF का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर क्वालालंपुर मलेशिया में है और इसमें मेंबरशिप है 194 मेंबर एसोसिएशन मेंबर है, और करेंटली ये जो BWF में 176 मेंबर नेशन है अराउंड द वर्ल्ड। ऐसे गठन हुआ था BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक नया फुल फॉर्म का साथ।